और महोदय अभी आपने महिला अध्यापक का दर्द देखा और वो गुहार कर रही है न्यायालय से माननीय राष्ट्रपति जी से कि या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो या नहीं हमारी मांगों को पूरी कर दो। इन सबको लेके एक विडंबना एक पूरे देश के अंदर पूरे भारत के अंदर इस तरीका का माहौल खड़ा हो गया है। आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है। सर आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर दीक्षित है, मैं कानपुर से हूँ और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं मैं ये जंतर मंतर छोड़कर दिल्ली से मैं वापस नहीं जाऊंगा। सन 2002 से हमारे पूरे 172,000 साथी शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे और माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में 137,000 का समर्जन हो चुका था। और इसके बाद जब बीजेपी पार्टी आई तो उन्होंने ये कहा कि हम 3 महीने में बाकी जो बचे हुए हैं और जो कोर्ट में आपका केस है हम सॉल्व करेंगे और बाकी लोगों को जो है नौकरी दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था और आज उन्होंने वादा खिलाफ भी की है। और सारे जितने भी हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं वो सब फिर से पुनः शिक्षा मित्र के पदों पर आ गए हैं और उनका वेतन मान उनका जो 10,000 कर दिया गया है और उससे हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता है। और ये केवल 2 साल के लिए किया गया, 2 साल बाद क्या घरों में बैठेंगे? हमें पूरा 40,000 जो हमारा जो वेतन था, जो सहायक अध्यापक का वेतन था, हमें पूरा चाहिए क्योंकि सरकार ने हमें किया था, सहायक अध्यापक बनाया था, हम सहायक अध्यापक हैं, उन्होंने वादा किया था, उनको वादा निभाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है 2019 के आने वाले चुनाव में इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे सारे भाई बहन बहुत ही मन में ग्लानि है उनको, हमें मोहल्ले में, हमें अपने मिलने वालों में, अपने स्कूलों में बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। और जब ये सरकार आई है और ये हमारे साथ ऐसी घटना हुई, हमारे बहुत सारे साथी आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैं बहुत दिल से दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं पुनः अपने पदों पर लौटें, सरकार हमें हमारे ऊपर ध्यान दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।